As you fade away, yeah, 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 yeah. आप किसी को खुश नहीं कर सकते और कोई ये हक नहीं रखता कि आपको बोले कि आप, आप जिंदगी अपनी कैसी जिए, या ये बोलें और वो ना बोले मुझे बहुत ज्यादा मेरे खैखा बरादराना मशवरे आते रहते हैं um, कि क्यों आपकी कह देती हैं ये, है? ये आपको इसको जवाब नहीं देना चाहिए आपको you know, क्या मैं आपके घर से खाती हूँ नो no. uh, क्या मैंने आपसे डाइस ली नो no. क्या मुझे आपकी मछली की जरूरत है नहीं you know, कि हो हो हो। कहना चाहिए जाते वो मेरी तरफ मेरी पूरी बात से सुनी और उसके बाद बड़े प्यार से मुझे कहा कि वो अभी मुझे नौकरी नहीं दे सकता मगर मुझे कहीं भी नौकरी मिल सकती है क्योंकि मुझ में कुछ बात जरूर है मतलब हर कोई तारीफ जरूर कर रहा था मगर हर किसी को नौकरी देते मौत पड़ रही थी बिलाख़िर चार महीने बाद मुझे वो कॉल आ गई जिसका मुझे शिद्दत से इंतज़ार था मुझे लीगल टीवी वालों की तरफ से दोबारा कॉल आई उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए दोबारा बुलाया इस दफा में पूरी तैयारी के साथ वहां गई और मैंने मैदान मार लिया मुझे नौकरी मिल गई मुझे कानूनी मामलात के बारे में प्रोग्राम करना था मैंने बहुत कामयाबी के साथ वो प्रोग्राम शुरू कर दिया मैं चौदह दिन के प्रोबेशन पीरियड पर थी चौदह दिन के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपको चौदह दिन का एक और पीरियड करना पड़ेगा ये सुनकर मैं गुस्से में आ गई मैंने कहा तो मुझे पक्की नौकरी दें मुझे जाने दें और फिर मैं चली भी गई। चंद दिन के बाद मुझे चैनल के मालिक की कॉल आ गई उसने मुझे बुलाया और जो तनख्वाह में मांग रही थी वो इस पर राजी हो गया मैंने दो साल तक वो शो कामयाबी से चलाया ये वो दौर था जब लोग उन शूज में कॉल करते थे और कॉल करने के पैसे चार्ज होते थे टीवी चैनल के मालिक अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे मेरा शो मशहूर होता जा रहा था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी यहां तक कि मैं खाना भी नहीं खाती थी मेरे लिए खाना सिर्फ एक दोनत होता था मैं रोज़ाना बर्मिनघम जाती थी और वहां से वापस रिम्स भी आती थी किसी को पता भी नहीं चल रहा था कि टीवी पर आने वाली ये एतमाद वाली औरत तीन बच्चों की माँ है और उसकी जिंदगी में इतनी ऊंच नीच हो चुकी है अनाया रोजाना मेरे साथ स्टूडियो में आती थी मैं प्रोग्राम करती थी और वो साथ वाले कमरे में खेलती रहती थी कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम चारों माँ और बच्चे मिलकर अपनी जिंदगी में मेहनत कर रहे थे मेरा शो मशहूर होता जा रहा था मेरा एक जुमला बहुत ही मशहूर होता जा रहा था जुमला था डोंट डिले क्लेम टूडे इसी शो के चलते हुए मुझे शाहरुख खान के साथ एक इश्तिहार करने का भी मौका मिला ये इश्तिहार लंदन मेला के लिए बना था ये 2008 में नश हुआ मैंने शाहरुख खान के साथ काम किया तो पता चला के शाहरुख खान एक निहायत जबरदस्त इंसान था मैंने इसमें रत्ती बराबर भी गुरूर नहीं देखा वो इश्तिहार इतना मशहूर हुआ कि इसके बाद मुझे एक और इश्तहार मिला और इस दफा मुझे मौका मिला शाहिद आफ्रेदी के साथ काम करने का शाहिद आफ्रदी भी एक निहायत सादा तबीयत का इंसान था मुझे बहुत अच्छा लगा इससे मिलकर शूटिंग के बाद शाहिद आफिदी जब स्टूडियो से बाहर निकला तो उसने सोफ़े पर लेटी मेरी बेटी को देखा उसने पूछा ये बच्ची किसकी है मैंने इसको बताया कि ये मेरी बेटी है उसने मुझसे पूछा कि इसके वालिद कहाँ होते हैं मैंने इसको बताया कि हमारी तलाक हो चुकी है और उसके अलावा मेरे दो बच्चे और भी हैं ये सुनकर वो बड़ा हैरान हुआ और उसने मेरी काफ़ी हौसला अफजाई की इस दिन हमारी बस इतनी ही बात हुई और उसके बाद हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई फिर बड़े सालों के बाद शाहिद आफरीदी के साथ मेरी दोबारा मुलाकात हुई मगर तब वक्त और था हालात और थे वो जून 2007 था मैं अपनी बेटी रिदा की दसवीं सालगिरह की तैयारी कर रही थी मेरी बेटी बहुत खुश थी इसको पता था उसके बाप ने इसको तोहफा नहीं भेजना लेकिन फिर उसके बाप ने इसको ऐसा तोहफा भेजा के जो वो कभी भूल नहीं पाए तीन लोग हमारे घर में दाखिल हुए और उन्होंने हमारा सामान बाहर रखना शुरू कर दिया हुआ कुछ यूं था कि एजाज मुझसे केस जीत गया था मुझे अब घर वापस एजाज को देना था हालांकि मैं जानती थी कि एक दिन मुझे घर वापस एजाज को देना है लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मुझे यूं अचानक घर छोड़ना पड़ेगा मैं अभी तैयार नहीं थी मैंने कुछ दिन पहले एक किराया का घर ले लिया था मगर अभी इसमें शिफ्ट होना मुमकिन नहीं था इस दिन मेरे पास पैसे भी नहीं थे मुझे चार सौ पिचहत्तर पाउंड चाहिए थे अपना सामान दूसरे घर शिफ्ट करने के लिए मैं रात दो बजे अपने तीनों बच्चों को लेके इस घर से निकली हम दूसरे घर पहुंचे मैंने और साहिर ने मिलकर तमाम सामान गाड़ी से अफलोड किया मेरी बेटियां सहम कर सो चुकी थी इस रात घर में हमारे पास लाइट भी नहीं थी तमाम स्विच खराब पड़े थे मैं खड़ी सोच रही थी कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है साहिर सामान में से एक टेबल लैंप ढूंढ कर लाया और उसको जलाकर घर को रोशन किया गया जैसे ही इसने ये लाए जलाई मेरे दिमाग में भी एक रोशनी हो गई और मैंने ये सोचा कि मैं इसको ऐसे क्यों नहीं ले रही कि आज असल में हम अपने घर में शिफ्ट हुए हैं जहाँ से अब हमें कोई नहीं निकाल सकता जहाँ हमें ना कोई डर होगा न ही कोई खौफ मेरी नौकरी अब ठीक ठाक चल रही थी मेरे नीचे अब काफी तादाद में लोग काम करने लगे थे सबके साथ मेरा ताल्लुक बहुत ही अच्छा था सबका दिल मेरे साथ काम में लग जाता था मेरी जिंदगी का मसला पैसों की कमी का था मगर जल्द ही मेरी पहली नौकरी से मैं एक सौ पाउनफी घंटा कमाने लगी थी इसके अलावा बेशतर इवेंट्स और कॉन्फ्रेंस सभी अटेंड कर रही थी जिसकी वजह से आमदन बढ़ती जा रही थी ओपन यूनिवर्सिटी से किए जाने वाले कोर्स अब मुझे अपना फ़ायदा देने लगे थे मैं अपने काम में इतनी माहिर होती जा रही थी कई लोग मुझे वकील समझने लगे थे ये नौकरी मेरे लिए गेम चेंजर साबित हो रही थी हमारा लाइफ स्टाइल बदलता जा रहा था मैं बच्चों को लेकर वेस्ट मिडलैंड शिफ्ट हो गई ताकि मैं बच्चों और अपनी जाप दोनों के करीब रह सकूं। विदा और अनाय को मैंने वहां के मुनासिब स्कूल में दाखिल करा दिया जबकि साहिर सत्ते फोर्ड के ग्रामा स्कूल जाने लगा मेरे दिन का आगाज सुबह साढ़े चार बजे होता था मैं उनथक मेहनत करती थी मेरे बच्चे मेरा खूब ख्याल रखते थे यहाँ तक के रात को जब मैं थक जाती थी तो मेरे बच्चे मेरे पाओ भी दबाते थे हम इस जिंदगी में एक टीम की तरह काम कर रहे थे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा और जिंदगी में खर्चे बढ़ना शुरू हुए तब अंदाजा हुआ कि मुझे एक हजार दो सौ पाउंड महीना का और कमाना पड़ेगा मैंने एक और नौकरी की तलाश शुरू की एक दिन मेरी नज़र रेडियो की जाब पर पड़ी वहाँ ब्रेकफास्ट न्यूज सुनाने का काम करना था मैंने इंटरव्यू दिया और मुझे वहाँ भी जाब मिल गए मैंने सनशाइन रेडियो में जाग शुरू कर दी मगर इस नौकरी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया मैंने एडिटिंग प्रोग्राम प्रोडक्शन स्विप राइटिंग जैसे हुनर सीख लिए नौकरी सुबह छह बजे शुरू होती और लंच तक चलती इसके बाद मुझे लीगल टीवी जाना होता था मुझे नहीं पता मैं ये सब कैसे मैनेज कर रही थी मगर मैं कर रही थी मैं जैसे किसी रेस की खिलाड़ी बनी हुई थी सुबह पाँच बजे मैं सड़क पर होती थी मगर मैंने नतीजा निकाला कि मेरी सारी एनर्जी की वजह आज़ादी थी आज़ादी इंसान को निडर बना देती है और लड़ने की ताकत देती है एक जमाना था जब एजाज का हुक्म होता था कि तीस पौन से ज्यादा की ग्रासरी नहीं हो सकती थी अब मैं अकेली कमाने वाली थी इसके बावजूद हमारा ग्रासरी बिल ज्यादा बनता था मगर इतफ़ाक और अल्लाह की बरकत इतनी थी कि मजाल है घर में पैसे को लेकर लड़ाई हो मैं अपने बेटे की भी एहसान मंद हूँ वो रोज लंबा सफर करता था मुख्तलिफ लोगों को मिलता था मगर मजाल है इसने नशे को हाथ भी लगाया हो हालांकि नशा इस दौर में वहां पर आम था वो एक खुद मुख्तार बच्चे की तरह हर बात को बड़ी गहराई से समझता था और अपना संभाला खुद करता था दूसरी तरफ रिदा घर में अनाय की माँ का रूल निभा रही थी वो इसकी बेहतरीन परवरिश कर रही थी अनाय बड़ी तेजी से समझदार हो रही थी वो इतनी अक्लमंद बच्ची बनी के मेरे इमरान खान के साथ दूसरी शादी के वक्त सिर्फ वो थी जो मुखालफत कर रही थी इसका कहना था हम बिल्कुल मुकम्मल हैं हमें किसी और इंसान की कोई ज़रूरत नहीं मैं जब सुबह घर से निकलती तो दो घंटे की गाड़ी चलाती दौरान ड्राइविंग में रेडियो सुनती जाती जिसकी वजह से मैं दुनिया के तमाम हालात से बाखबर रहती मैं अक्सर घर से गाड़ी निकालती अपने बच्चों को भी साथ लेती और हम सब पिकनिक पे चले जाते हम पिकनिक पर बाहर नहीं निकलते थे बल्कि सर्दी की वजह से गाड़ी में बैठ कर बातें करते थे बातें करने से मुझे अपने बच्चों के करीब आने का मौका मिलता था इस तरह पूरे हफ्ते में सब के साथ क्या क्या हुआ सब एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते थे मैं वो इंसान नहीं थी जो गाड़ी के गंदा होने के डर से गाड़ी में खाना पीना पसंद नहीं करती थी मैं जिंदगी एंजॉय करती थी जिंदगी का मजा लेती थी अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मेरे बच्चे इतने एतमाद वाले कैसे हैं मेरा जवाब होता है कि बच्चों के साथ बच्चों वाली जिंदगी गुजारें बस फिर जादू देखें ये बच्चे कैसे जिंदगी का सीना चीर कर आगे बढ़ते हैं मैं हमेशा खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, रबल आलमीन पढ़ती हूँ शुक्र करती हूँ अल्लाह का मैं हैरान होती हूँ कि लोग किस तरह छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी को जहन्नम बना रहे होते हैं अक्सर कहीं से पिकनिक की वापसी पर हमारी गाड़ी खराब हो जाती थी और हम सारे वीराने में खड़े रह जाते थे मैं ऊपर आसमान की तरफ देख के अल्लाह ताला से कहती थी अल्लाह जी मैं अभी तो आपका शुक्र करके निकली थी मेरी मर्सडीज गाड़ी पुरानी भी बहुत थी ऊपर से रोजाना दो शहरों के दरमियान सफर कर करके इसकी हालत खराब हो गयी थी टायर पुराने हो चुके थे और जगह जगह पर जन लग चुका था लेकिन मेरी नाराजगी इस दिन खत्म हो गई जिस दिन मेरे पास नई बी एम डब्ल्यू गाड़ी की चाबी आ गई अब मुझे मज़ीद गाड़ी का काम कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली थी न कभी पंक्चर लगवाने की जरूरत पड़ने वाली थी मैं खुदा का जितना शुक्र अदा करती इतना कम था मुझे लोगों के काम आने का जुनून की हद तक शौक था और मेरी कोशिश होती थी कि मैं किसी न किसी के काम जरूर आऊं एक दिन मेरी दोस्त को इंटरव्यू पर जाना था मैं इसको ड्राप करने चली गई इस जगह का नाम साउथ हेम्पटन था मैं इस जगह के इश्क में गिरफ्तार हो गई फुल मॉडर्न और खूबसूरत जगह थी मुझे वहाँ बीबीसी में इंटरव्यू भी देना था मैं चाहती थी मुझे बीबीसी का तजुर्बा भी हासिल हो जाए मैं बड़ी मुश्किल से बीबीसी में इंटरव्यू देने में कामयाब हुई थी मेरा इंटरव्यू बहुत ही सख्त हुआ और उन्होंने मुझसे बहुत ही सख्त सवाल पूछे लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं फिजिक्स में बहुत अच्छी थी और वो अच्छा होना इस दिन मेरे काम आया फिर यूँ हुआ कि मैं सिलेक्ट हो गई मगर एक मसला था उन्होंने मुझे कहा कि आपको साउथहैम्पटन शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि बर्मिंगहम वाली जगह खाली नहीं है मैं दो लम्हे के लिए रुकी और फिर अचानक मैंने हाँ कर दी मैंने ब्यूबरी में शिफ्ट होने का फैसला कर लिया वो साउथहैम्पटन से करीब था और मेरे बच्चों के स्कूलों से भी मुझे बीबीसी में मौसम का हाल बताने की नौकरी मिल चुकी थी मैं इंग्लैंड के साउथ में आ चुकी थी जहाँ पर रहना और जहाँ पर काम करना लोगों का खाब होता है मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे शौहर ने बड़ी एड़ियाँ रगड़ी थी कि किसी तरह इसको इंग्लैंड के साउथ में नौकरी मिल जाए मगर वो हमेशा नाकाम ही रहा था हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप सोचते हैं कि आपका कुछ नहीं हो सकता आपको कुछ नहीं मिल सकता तो ये सिर्फ़ आपकी सोच होती है आप चाहें तो आपको सब कुछ मिल सकता है आपका सब कुछ बन भी सकता है मैं सिंगल मदर तीन बच्चों के साथ एक खूबसूरत रोशनियों वाले शहर में शिफ्ट होने जा रही थी थी ना कमाल की बात